Hello and welcome back to our Nacho Mirror. Today we are here in VKV Nirjuli Vivekananda Kendra Vidyalaya to look into today's program. Alumni Association has organized a food distribution for the frontline warrior. So come and let's know about the motto behind today's program. So right now I'm here with the General Secretary of Alumni. So let's talk to him regarding today's program. Arunachal Mirror के सभी प्यारे दर्शकों नमस्कार. मेरा नाम ज्ञानदेव तामिन है. मैं जनरल सेक्रेटरी VKV Alumni Association. और आज VKV Alumni Association के जो members हैं वो रास्ते पे इस पर इसलिए आए हैं. हम एक जो अपना पुलिस पर्सनल्स और हेल्थ वॉरियर्स है उनके सम्मान में एक काइंड ऑफ जेस्चर निकले हैं. आज हमने ये प्लान किया है पैक लंच डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम. तो दो ग्रुप हमने बनाए. एक ग्रुप ईटानगर रीजन को कवरअप करेगा, डिशेस चिंपू होलोंगी गेट एंड ओल्ड इन आकाश बिंग लेड बाई तबा तातुब जी चेयरमैन VKV है. And Naharlagan region being led by me, we have covered all the NACAs and COVID care center Lekhi and dedicated COVID hospital Mitpu and Gumto check gate. And now right now we are here at Bandadwa check gate. And right from day one, during the outbreak of this corona pandemic, our VKV Alumni Association hai wo कार्य पे लगे हैं. एंड ड्यूरिंग फर्स्ट कोविड आउटब्रेक के समय भी हमारे मेंबर्स की ओर से और संगठन की ओर से हमने CM रिलीफ फंड में भी कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन दिए थे. और फिर हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क ये सब भी हमने बांटा. और कुछ ही दिन पहले हमने एक ट्रिम्स में ब्लड डोनेशन कैंप भी कराया था. और ये सब कार्यक्रम हम एक प्रोग्राम है हम लोगों का गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी. ये मोटो के साथ में हमारा जो कार्य रहता है और ये चलता रहेगा. ये आज लंच डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है ये पहला है और चलता रहेगा जब तक आए हम. और ब्लड डोनेशन कैंप भी हम ये आरके मिशन में कुछ ही दिनों में कराएंगे फिर. और फिर VKV क्या है और VKV को जानने से पहले फिर विवेकानंद केंद्र क्या है ये भी
बहुत लोगों को पता नहीं है। 1970s के दौरान अपना जो विवेकानंद केंद्र का जो संस्थापक और ये जो प्रेसिडेंट है अपना माननीय एकनाथ जी राणा दे, वो 1970s के दौरान अरुणाचल में आए। फिर उन्होंने स्वामी जी का जो भी जितना है टीचिंग्स है उनको लेके प्रैक्टिकल में, जैसे कि मेन मेकिंग नेशन बिल्डिंग स्वामी जी ने कहा, तो उनका मानना ये था कि जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हम खड़ा नहीं करेंगे ये राष्ट्र आगे नहीं जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने पूरा राष्ट्र को देखा, तो राष्ट्र के अंदर में अपना पूर्वोत्तर राज्य, फिर पूर्वोत्तर राज्य में अपना अरुणाचल राज्य, तो उन्होंने 70s में ये सब कदम रखा, निर्णय लिया, और 74 में पहला केंद्र का स्थापना हुआ डिब्रूगढ़ ये सब। इसके बाद 77 में 7 VKV स्कूल्स ऑल अक्रॉस द स्टेट खुला, उसमें शेर, बालीजन, ओयान, जहरामपुर, अपना जो खरसांग ये सब है, और जो मेन मेकिंग नेशन बिल्डिंग जो एकनाथ जी राणा जी ने जो सपना देखा वो आज सत्य हो रहा है। आज मैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ दिस VKV एलुमनाई एसोसिएशन, मैं प्राउड बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि आप कहीं भी जाइएगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, कहीं में भी क्षेत्र में भी जाइए, अपने VKVs को हम मिलेंगे। तो मैं गर्व के साथ लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, अब तक 9 UPSC क्रैक किया है, उसके अंदर IAS, IPS, IFS, फिर IRS हो गया, उसमें 9 VKVs है क्रैक कर चुके हैं, और 6 लगभग अभी सेक्रेटरी लेवल में है अपना स्टेट में, और 3 बाहर में है, फिर 6 SPs ऑल अक्रॉस द स्टेट, और ट्रिम्स में जाइए, आप निवा अस्पताल में जाइए, हीमा में जाइए, या आरके मिशन अस्पताल में जाइए, पूरा डॉक्टर्स, इवन जितना अभी कोविड केयर सेंटर्स है, अभी DCS चिंपू में भी जाइए, उसमें भी लगभग अपने ही केंद्र के बच्चे हैं। तो हम लोगों का मूल मंत्र यही है, जहाँ भी है और जिस पद में भी है, सही दिशा और मन से हम काम करें, राज्य के लिए हम किस तरह हम ये सर्विस दे सकते हैं, ये हम लोग विचार करते हैं। अभी लॉकडाउन खुलने जा रहा है, तो पूरे नागरिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो SOP है उसको पालन करते हुए आप लॉकडाउन को भी फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेगा, हैंड वॉशिंग ज़रूर कीजिए, ये आपको बचा के रखेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कोरोना काल में अपने आप को बचाइए, आप बचेंगे तो दूसरे भी बचेंगे, और इसी प्रकार पूरा समाज बचेंगे। हम ऐसे नोडल ऑफिसर ऑफ DCS चिंपू एंड फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर हु आर वर्किंग हियर, उनका तरफ से मैं VKV एलुमनी एसोसिएशन को बहुत ही थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय हम ऐसे हेल्थ केयर वर्कर जो पेंडेमिक COVID-19 पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, इसका जो लड़ाई जो पता नहीं है कब ख़त्म होगा, ये फर्स्ट वेव में भी था, लड़ाई कर रहे थे, सेकेंड वेव, फिर आगे भी थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ सकता है, पब्लिक बिहेवियर के वजह से, क्योंकि अभी COVID-19 एक बिहेवियरल डिजीज की तरह हो गया है। तो इस समय में हम जब फ्रंट लाइन में हैं, तो इस तरह का जब पब्लिक सपोर्ट मिलता है हमको, जैसे अभी आज लंच हमको हमारे स्टाफ को प्रोवाइड किया है, तो उससे हमको बहुत ही, हमारे मॉरल को बहुत ही इनकरेज मिलता है। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे टू अदर फ्रंटलाइन वर्कर? ये फ्रंटलाइन वर्कर को मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ को, कि हम इस प्रोफेशन में आए हैं, तो ऐसा दिन तो हमको आगे भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रोफेशन में इस तरह का बीमार का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल अपने काम में कोशिश लगा, पेशेंट को बचाने के लिए, इस कोविड से लड़ने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए।